नमस्कार, इस वीडियो में कक्षा 11वीं के सामान्य हिंदी एवं साहित्यिक हिंदी के विद्यार्थियों के लिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय एवं रचनाएं लेकर आए हैं। दोस्तों, आपके परीक्षा में 5 अंक का लेखक का साहित्यिक परिचय आता है, जिसमें से 3 अंक आपको साहित्यिक परिचय लिखने पर मिलता है और 2 अंक रचनाएँ लिखने पर। इसके लिए कुल 80 शब्द सीमा होता है। लगभग 80 शब्दों में ही आपको पूरा का पूरा साहित्यिक परिचय और रचनाएं लिखनी होती है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हम जिसका भी साहित्यिक परिचय लिखेंगे उसका पहले थोड़ा जीवन परिचय भी देंगे। सबसे पहले हेडिंग जीवन परिचय। हिंदी गद्य साहित्य के युग प्रवर्तक साहित्यकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1864 ईस्वी में रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में हुआ था। द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ? रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में। जन्म स्थान रायबरेली उत्तर प्रदेश जिले के दौलतपुर गांव में। कब हुआ? 1864 ईस्वी में, याद रखिएगा। स्कूली शिक्षा प्राप्त कर इन्होंने GRP रेलवे में नौकरी कर ली। रेलवे विभाग नौकरी करते हुए उन्होंने 100 अध्याय से संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, उर्दू का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। देखिए, जब इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर लिया तो रेलवे सुरक्षा बल, जो GRP होता है, उसमें नौकरी कर लिए। और नौकरी करते हुए ही इन्होंने 100 अध्याय से ही खुद से पढ़कर इन भाषाओं का अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त किया। 1903 ईस्वी में इन्होंने नौकरी छोड़ दी और साहित्य सेवा में लग गए। इसके बाद 1903 ईस्वी में इन्होंने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और पूरी तरह से साहित्य सेवा में जुट गए। उन्होंने सरस्वती नामक मासिक पत्रिका का सफल संपादन किया। द्विवेदी जी ने सरस्वती, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, परीक्षा में कई बार आया है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक तो कौन है? यही हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इन्होंने सरस्वती नामक मासिक पत्रिका का सफल संपादन किया। इस तरह सरस्वती के माध्यम से इन्होंने बहुतों को लेखक बनाया और हिंदी गद्य को सही दिशा प्रदान की। उनका निधन 1938 में हुआ। इनकी मृत्यु कब हुई? सन 1938 ईस्वी में। ये हो गया जीवन परिचय संक्षिप्त में। इसी तरह संक्षिप्त में साहित्यिक परिचय लिखेंगे। तो देखिए, साहित्यिक परिचय। भारतेंदु जी के बाद द्विवेदी जी दूसरे युग प्रवर्तक साहित्यकार माने जाते हैं। भारतेंदु जी ने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में 9 युग का सूत्रपात किया। द्विवेदी जी ने भारतेंदु युग की भाषागत त्रुटियों को दूर किया। देखिए, भारतेंदु जी की तरह द्विवेदी जी भी युग प्रवर्तक साहित्यकारों में गिने जाते हैं। अगर भारतेंदु जी ने 9 युग का सूत्रपात किया, 9 जागरण काल के अगर भारतेंदु जी अग्रदूत थे, तो द्विवेदी जी ने भारतेंदु युग की जो भाषा संबंधी अशुद्धियाँ थी उसको दूर करने का प्रयास किया। हिंदी भाषा और उसकी शैली को और अधिक समृद्ध, संपन्न बनाया। सरस्वती के संपादक के रूप में उन्होंने हिंदी साहित्य की अमूल्य सेवा की। उन्होंने हिंदी भाषा का प्रचार करके लोगों के हृदय में हिंदी के प्रति प्रेम और अपनापन उत्पन्न किया। ये इनका साहित्यिक परिचय हो गया। अब रचनाएं लिखेंगे। तो देखिए, द्विवेदी जी की जो रचनाएं हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचनात्मक रचनाओं का नाम है रसज्ञ रंजन, हिंदी नवरत्न, विचार विमर्श, साहित्य शिखर, कालिदास और उनकी कविता, ये आलोचना है, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने जो अनुवाद किया है वो है मेघदूत, कुमार संभव, ये मेघदूतम और कुमार संभवम का हिंदी अनुवाद है। ये कालिदास की रचनाएं हैं। बेकन विचारमाला, हिंदी महाभारत आदि इनके अनुवाद हैं। और इनके काव्य संग्रह, कविता संग्रह का नाम है सुमन, काव्य मंजूषा, कविता कलाप। इन्होंने संपादन सरस्वती मासिक पत्रिका का संपादन किया है, तो मालूम ही है। कब किया? 1903 में। अब देखिए भाषा शैली। द्विवेदी जी ने अपनी भाषा में विभिन्न रूप में प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने अपनी भाषा में संस्कृत की सूक्तियों और मुहावरों एवं लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है।
इनकी भाषा सरल संस्कृतनिष्ठ, अनुकूल, सुंदर और साहित्यिक भाषा है। इनका भाषा शैली हो गया। इसके बाद साहित्य में स्थान, द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक साहित्यकारों में से एक थे। उन्होंने हिंदी साहित्य को एक नया दिशा प्रदान किया। इसी कारण हिंदी साहित्य के इतिहास में 1900 से 1922 ईस्वी तक के समय का जो नामकरण हुआ इन्हीं के नाम पर हुआ, द्विवेदी युग। ऐसे आप लिख सकते हैं, आप अगर इस तरह से लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।